नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज कैथल पहुंचे। पहले दुष्यंत गांव चंदाना में बिल्लू चंदाना के निवास पर पहुंचे, जहां बिल्लू चंदाना और इनेलो के पूर्व प्रत्याशी ज्ञानचंद गुज्जर अपने समर्थकों के साथ जेजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला कैथल में चंदाना गेट स्थित पाला राम सैनी के मूनलाइट स्कूल में पहुंचे और पाला राम सैनी को पार्टी का पटका पहनाकर जेजेपी पार्टी में शामिल किया। डीटीपी अनिल नरवाल की टीम ने पुंडरी के अधीन गांव फतेहपुर में पनप रही दो अवैध कॉलोनियों में जेसीबी चलाकर वहां गलियों और निर्माण को तोड़ दिया। डीटीपी ने कॉलोनी नाइजरों को नोटिस जारी करके उन्हें अनुमति लिए जाने का आदेश जारी किया है। डीटीपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लाट न खरीद। डोगरा गेट कैथल स्थित एक मकान से चोर चाकू की नोक पर नकदी और आभूषण लूट कर ले गए। महिला कांता देवी ने बताया कि रात्रि करीब 1 बजे चोर उसके घर में घुस गया और उसने उसे चाकू दिखाते और चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी 30,000 रुपए व सोने की बाली लूट कर ले गए। आशा वर्करों ने मांगों को लेकर विधायक लीलाराम व मंत्री कमलेश ठांडा के निवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक और मंत्री निवास की पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। जिला इनकम टैक्स विभाग द्वारा कैथल अंबाला रोड स्थित अपने कार्यालय में मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। जिला इनकम टैक्स अधिकारी रोशन लाल सैनी ने कहा कि देश भर के 42 शहरों में आज इनकम टैक्स विभाग द्वारा ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं। शिविर में 52 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं को पौधे देकर उन्हें सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत का कैथल में भी जश्न मनाया गया। कैथल के हर्ष होटल में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें बधाई दी और एक दूसरे को लड्डू खिलाए। 26 जुलाई को शिवरात्रि है। सावन माह में मनाई जाने वाले शिवरात्रि को लेकर भक्तों में जोश देखने को मिल रहा है। बहुत से भक्त कांवड़ लेकर अपने गांव और शहर की तरफ जा रहे हैं। वहीं डाक कांवड़ लेने वाले भक्त अब हरिद्वार की तरफ रवाना हो रहे हैं। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कैथल ब्रेकिंग टीवी।